चुनाव आयोग के समक्ष एक ऐसी बात भी रखी जो बार बार हम पहले भी उठाते आए हैं कि प्रधानमंत्री के जो सैन्य बलों के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं उनकी चित्रों का, उनकी फिल्म्स का दुरुपयोग करना चुनाव के दौरान, जहां प्रधानमंत्री सेना की यूनिफॉर्म में होते हैं या एयरफोर्स की कैप लगाकर प्रचार कर रहे हैं एक तरह से, वो उस पर हमने अपनी बहुत घोर आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि पहले भी हम वो आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और पहले चुनाव आयोग की एडवाइजरीज हैं कि यह नहीं किया जा सकता चुनाव के दौरान। तो आज हमने चुनाव आयोग को उनकी अपनी एडवाइजरीज भी स्मरण कराई कि ये आप ही की एडवाइजरीज हैं और ये बार बार रिपीट ऑफेंडर है बीजेपी, उस दिशा में भी चुनाव आयोग को कदम उठाने चाहिए। मेरे साथ ही गुरदीप सप्पल जी आपको बाकी जानकारी भी देंगे। एक जो और मुद्दा आज हमने उठाया, पिछली बार जब हम इलेक्शन कमीशन को मिले थे तो हमने फ्री स्पीच का मुद्दा भी उठाया था, और जो डिफेमेटरी पोस्ट है भारतीय जनता पार्टी के हैंडल पर, जो बहुत सारी ऐसी विभाजक कंटेंट वो बना रहे हैं वो उनके हैंडल से पोस्ट हो रही है, उसकी शिकायत की थी। इलेक्शन कमीशन ने आज हमको ये बताया कि उन्होंने फैसला लिया है कि चुनाव के दौरान जो सेक्शन 69 और 79 है आईटी एक्ट का, जिसके 69 और 79 आईटी एक्ट का जो है, जिसके तहत अलग अलग यूट्यूब चैनल को, अलग अलग फ्री स्पीच के प्लेटफॉर्म को बंद किया जा सकता है, उसका पालन नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के दौरान फ्री स्पीच को बिल्कुल बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन इस पक्ष में नहीं है कि कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म, उस पर बैन ना किया जाए। लेकिन हमने उनको ये भी ध्यान दिलाया कि इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि वो फ्री स्पीच चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, वो कई यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, कई सारे पत्रकारों के हैंडल्स को बैन कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले भी एक यूट्यूब चैनल था बोलता हिंदुस्तान, उसको भी बैन किया गया, और जो बैन किया गया यूट्यूब की ओर से बताया गया कि इस बैन के वो कारण नहीं बता सकते, क्योंकि मंत्रालय ने उनको कहा है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। हमने ये बात इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखी है कि चुनाव के दौरान ये जो अधिकार है सेक्शन 69 के तहत, वो मंत्रालय के पास नहीं होना चाहिए, वो चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। और चुनाव आयोग हमारी बात से सहमत था, उनका ये मानना था कि चुनाव में फ्री स्पीच को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। दूसरी बात हमने एक और उठाई, केरल में तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं राजीव चंद्रशेखर, उनके जो एफिडेविट है उसमें बहुत सारी गलतियाँ पाई गई हैं। उन्होंने अपनी कुल आय 680 रुपये उसमें दिखाई है, उनके एसेट्स की वैल्यू में प्रॉब्लम है। ये बात भी हमने इलेक्शन कमीशन के का इस पर ध्यान खींचा है। एक और इशू जो हमने उठाया है आज, त्रिपुरा के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो लगातार हमारे कैंडिडेट से मांग रहे हैं कि जो होर्डिंग लगाने वाले वेंडर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएँ। नियमानुसार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो चुनाव के दौरान अलग अलग बाधाएं कई बार इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों द्वारा क्रिएट की जाती हैं, उसके खिलाफ हमने आज रिप्रेजेंटेशन दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो लगातार इन चीज़ों के ऊपर फैसला ले रहे हैं और पॉजिटिव फैसला लेने का आज उन्होंने हमें आश्वासन दिया है।